चाचा हवाई जहाज से वास्को डिकामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे और भतीजा जो है गुगली फेंकेगा आईपीएल में और चाचा फिर मंच पे जाकर के भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है, उसी का बेटा है ना, कोई शक है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है, कंपटीशन दिया था क्या, एसएससी का एग्जाम यूपीएससी लिखा था, कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है, बेईमानी, नकली चाणक्य। हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे, देखे बिहार में क्या हुआ, देखे महाराष्ट्र का बदला नितिन साहब हम लोग एकदम भिजा के ले लिए। चाणक्य वो परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर यूपीएससी किया था, उसका बाप नेता नहीं है, और ये जो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है उसका बाप नेता नहीं था। अब पीयूष गोयल, उसका बाप नेता नहीं था, बेईमानी। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए नहीं है। तो भाजपा का परिवारवाद परिवारवाद नहीं है, और कांग्रेस के दो दो प्रधानमंत्री ने अपनी जान दे दी तो आप हमको परिवारवादी बोल रहे हैं? दो प्रधानमंत्री ने अपनी जान गवाई है इस देश के लिए, उसको आप परिवारवाद बोल रहे हैं? और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रहे हैं, यह परिवारवाद नहीं है, यह बेईमानी है। मैं कांग्रेस को बता दीजिए जो पूरा किया हो, एक वादा, एक भी वादा पूरा अगर कर दिया हो तो हम स्वीकार कर लेंगे, हम मान लेंगे कि अच्छा दिन आ गया है, एक भी वादा अगर पूरा हो गया हो तो। और मैं बस आपको याद दिला देता हूं, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात थी, थी कि नहीं थी? सबके खाते में 15 लाख रुपया देने की बात थी, सब किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात थी, सबको पक्का मकान देने की बात थी, एक भी चीज हुआ है? हो क्या रहा है? दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। लोग मांग रहे थे सरकारी नौकरी, इन्होंने नया प्रबंध कर दिया कि ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, और जो सरकारी संस्थान बचे हुए हैं वहां पर सबको अग्निवीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो गडकरी जी सबसे ताजा ताजा अग्निवीर बने हैं, नहीं अभी बहुत लोगों को बनना है, इससे पहले आडवाणी जी बन गए, उसके बाद रविशंकर प्रसाद बन गए, अभी बहुत लोगों को अग्निवीर बनना है। दो ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। हमको एक बार एक दोस्त ने पूछा कि आजादी में किस तरह के लोग हिस्सा लिए, हम बोले आजादी में दो तरह के लोग हिस्सा लिए, हम आजादी में भाग लिए और आरएसएस वाले आजादी से भाग लिए। और मैं और से का फर्क तो हम पहले भी बता चुके हैं, जब मैं आ रहा था और हमको हमारे कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता फ्रीडम पार्क दिखा रहे थे तो मेरे मन में वो आजादी वाली बात याद आ रही थी। जब हम आजादी की बात बोलते थे तो यही लोग व्हाट्सएप पे आपसे पूछते होंगे कि किस चीज से आजादी चाहिए, क्यों आजादी चाहिए, देश तो आजाद हो गया है, फिर आपको किस बात की आजादी चाहिए? अरे इसी बात की आजादी चाहिए कि इस देश का नागरिक इस देश के प्रधानमंत्री के आंख में आंख डाल करके उससे सवाल पूछे, इसी बात की आजादी चाहिए। आजादी कोई भीख है? आजादी कोई वरदान है? आजादी कुर्बानियों से हासिल की हुई चीज है, और हमको लगातार आजादी के उस दायरे को बढ़ाने की जरूरत है।
आजादी के उस मतलब में, उस मायने में इस बात को भी शामिल करने की जरूरत है कि जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, संस्कृति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जब संविधान ने हमको बराबर किया है तो हम बराबरी के उस एहसास के साथ, बराबरी के उस अधिकार के साथ हम अपनी जिंदगी को जी सके। जब संविधान ने महिला और पुरुष का वोट बराबर किया है तो आप कौन होते हैं महिला और पुरुष के बीच में विभेद पैदा करने वाले, इस सवाल का जवाब हम पूछ सके। हम ये पूछ सके कि जब इस देश में प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का उरन खटोला खरीदा जा सकता है तो इस देश के गरीबों को मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती है। हम यह सवाल पूछ सके कि 20,000 करोड़ में आपके लिए अगर महल बनाया जा सकता है तो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए घर क्यों नहीं बनाया जा सकता है। हम यह सवाल पूछ सके कि प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए अगर कार सरकारी हो सकती है 13 करोड़ की, तो हमारे बच्चों का इलाज सरकारी क्यों नहीं हो सकता है। यह जो देश की समझदारी है, उस समझदारी को, आजादी के उस एहसास को एक आजाद नागरिक के तरह आजाद देश में उस आजादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा था देश से नहीं, देश में आजादी की बात करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हम देश की आजादी में भाग लिए थे और वो देश की आजादी से भाग लिए थे। हमको कोई आकर के बोला कि देश की हालत बहुत खराब हो रही है, हिटलर शाही थोपा जा रहा है, हम बोले सुनो हिटलर को हम पसंद नहीं करते हैं, हिटलर से हमको बहुत दिक्कत है, लेकिन तुम इसको हिटलर बोल करके हिटलर का अपमान मत करो, ये हिटलर नहीं है, सस्ता फोटोकॉपी है यार, सस्ता फोटोकॉपी है। इसको हम सस्ता फोटोकॉपी क्यों कहते हैं आपको मालूम है कि गांधी जी अंग्रेज से लड़े थे कस्तूरबा को साथ लेकर के लेकर घूमे थे ना, और ये देश बनाने के लिए अपनी पत्नी छोड़ करके चलती है। उसके बाद नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक है नारी सम्मान की बात करते हैं, इतना फर्जी इंसान हम अपनी जिंदगी में देखे ही नहीं। दो ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से वास्को डी गामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे और भतीजा जो है बुगली फेंकेगा IPL में, और चाचा फिर मंच पे जाकर के भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है, उसी का बेटा है ना, कोई शक है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना, तो BCCI सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है, कंपटीशन दिया था क्या, SSC का एग्जाम, UPSC लिखा था, कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है, बेईमानी, नकली चाणक्य, हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे। संघी कभी भी आजादी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, वैसे ही कांग्रेसी कभी भी आजादी का परचम झुकने नहीं दे सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आज भी इतनी इनकी ताकत नहीं है कि अगर हमारा पूरा नेतृत्व मन मिला ले तो कोई माई का लाल हमको हरा नहीं सकता है। कैसा नशा किया है भाई साहब, पता नहीं कौन सी गोली खाया है कि कमाल के समर्थक हैं प्रधानमंत्री के इस देश में। प्रधानमंत्री के समर्थक ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, तब भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाय बेचा, लेकिन प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं तब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, भक्ति और प्रेम का फर्क भी समझिए। अगर आप अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो प्रधानमंत्री कब तानाशाह बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इस बात को याद रखिए।
और सबसे मुश्किल की बात यह है कि कल के अंग्रेज को तो आप पहचान लेते, अरे जो गोरा गोरा होगा, सूट बूट पहना रहेगा, घोड़ा पे बैठा रहेगा, तो उसको पहचान लेंगे कि अंग्रेज है। इसको कैसे पहचानिएगा?